वंस अगेन वेलकम डियर ऑल, दिस इज चाणक्य अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पैरेलैक्सिस थ्योरम। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है वो चेंज होगा एक सेम ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए एक कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अगर हम चेंज करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है उस ऑब्जेक्ट का उस एक्सिस के अबाउट वो चेंज होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ये एक बुक है मेरे हाथ में। अगर इस बुक को मैं इस तरह से हॉरिजेंटली अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी बुक को अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर वर्टिकली इस तरह से अगर रोटेट करता हूँ तो यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस तरह से वर्टिकल है। इसी बुक को अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर डायगोनली, देखिए यहाँ पर अगर मैं डायगोनली अगर इस तरह से रोटेट करता हूँ तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बुक के लिए वो भी डिफरेंट होगा, बिकॉज यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस बुक के लिए वो हमेशा चेंज हो रहा है, ओके। लेकिन हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सबसे मिनिमम होता है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास होता है, तब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सबसे मिनिमम होता है, ओके। सो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, देखिए इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो अननोन एक्सिस है, पैरेलैक्सिस थ्योरम के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है या फिर दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तब जाके हम पैरेलैक्सिस थ्योरम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो नोन जो एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पास होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से, जिसे हमने डिनोट किया है आई सी से। और जो अननोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है किसी भी एक्सिस के अबाउट, वो एक्सिस रोटेशनल एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पहले वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम जो पैरेलैक्सिस थ्योरम है वो यूज़ कर सकते हैं। पैरेलैक्सिस थ्योरम हमने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो देख सकते हो। सो यहाँ पर देखिए जो काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स है और उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन दिए है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन है उनके सेंटर ऑफ मास से पास होता है। तो आज हम जो एप्लीकेशन देखने वाले हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे थिन यूनिफॉर्म रॉड। तो देखिए, सपोज अगर एक रॉड है और उस रॉड का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस तरह से अगर वो पास हो रहा है तो उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पर देखिए हम एप्लीकेशन देखेंगे। सपोज़ यहाँ पर एक थिन रॉड है और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एग्जैक्टली इस थिन रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अब इस केस में हमने अजम्पशन किया है कि ये जो थिन रॉड है वो कैसे है, यूनिफॉर्म है। ये थिन रॉड कैसे यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पर इस रॉड की जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट दी लेंथ कैसे है, यूनिफॉर्म है, ओके। तो हमें यहाँ पर जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि अगर ये कंडीशन है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो हम उसे फाइंड कर सकते हैं एम एल स्क्वायर बाय 12, ओके। अब एप्लीकेशन क्या है, इस एक्सिस पहली कंडीशन हमें सेटिस्फाई है क्या, तो पहली कंडीशन है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, जो अननोन एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो पैरेलल होना चाहिए किसे, तो ये जो पहले वाला जो एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो उसे ये पैरेलल होना चाहिए। देखिए इस केस में ये जो अननोन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इस रॉड को अगर हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस तरह से ऐसे रोटेट करते हैं सेकेंड केस में, तो यहाँ पर ये जो
अननोन एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो ये इस पहले वाले को पैरेलल है, ठीक है। तो वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ML स्क्वायर बाय 3, ठीक है। अच्छा, ये जो रिलेशन, ये हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग पैरेलैक्सिस थ्योरम। तो पैरेलैक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि जो अननोन एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि पैरेलल है किसे, इस पहले वाले एक्सिस को, तो वो कितना ज़्यादा होता है। सो MD स्क्वायर, डी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, इन दोनों एक्सिस के बीच में जितना डिस्टेंस है वो। तो यहाँ पर देखिए, ये रिलेशन तो हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही है, तो यहाँ पर ये अननोन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमने यहाँ पर ये रिलेशन यूज़ किया। सो ICM जो कि यहाँ से हमें पता है स्टैंडर्ड रिलेशन से, प्लस M मास ऑफ थिन रॉड, डी डिस्टेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये रॉड यूनिफॉर्म है तो इसकी टोटल लेंथ होगी L, हमने कंसिडर की, तो अगर ये एग्जैक्टली ये सेंटर से पास हो रहा है तो यहाँ से इस पॉइंट पर जो रॉड का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, डेफिनेटली L बाय 2 होगा। तो यहाँ पर हमने D जो है वो पुट कर लिया, जो डिस्टेंस है वो कितना है, L बाय 2, तो इस डी एल बाय 2 स्क्वेयर, सो यहाँ पर L स्क्वेयर और 2 का स्क्वेयर 4, ठीक है। अब बाय यूजिंग LCM हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय यूजिंग LCM, जस्ट वेट, अब जैसे आपको प्रैक्टिस है तो उस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, तो अगर मैं यहाँ पर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सपोज, और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 3 3 गेट कैंसिल, यहाँ पर इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो बेस है वो सेम हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है। सो 4 3 12, यहाँ पर भी 12, दोनों कॉमन है, यहाँ पर लिख लिया हमने, और ऊपर क्या होगा फिर, यहाँ पर 3 ML स्क्वायर, देखिए 3 ML स्क्वायर और ML स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट यहाँ पर ये रिलेशन मिल जाता है। अब इस केस जैसे भी, या फिर आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, जो भी आपकी प्रैक्टिस है आप उस तरह से सॉल्व कीजिए, ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरह से आप सॉल्व कीजिए। सॉरी, ओके, तो आफ्टर LCM वी विल गेट दिस रिलेशन। अब यहाँ पर भी देखिए ML स्क्वायर, ML स्क्वायर, इन दोनों को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है, 1, सो 1 प्लस 3 4, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि ML स्क्वायर प्लस 3 ML स्क्वायर इज नथिंग बट 4 ML स्क्वायर बाय 12, सो 4 1 4, 4 3 12, सो देखिए यहाँ पर कितना है, ML स्क्वायर बाय 3, और जो कि हमने ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर क्या किया है, लिखा है ये रिलेशन। तो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन को हमने प्रूफ कर दिया। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जनरली यूज़ करते हैं हम कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई एक्सिस है, लेकिन इसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो भी एक्सिस है वो एक्सिस इस पहले वाले एक्सिस से क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तभी हम ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो एप्लीकेबल है, इसीलिए तो उसका नाम क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, एंड फाइनली आप चाहे तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू पुट कीजिए और आप खुद ट्राई कीजिए कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है वो किस तरह से यूज होता है, ठीक है, किस तरह से एप्लीकेबल है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।